लेकिन सितम ये देखिए कि आज हमारी सियासत में इसका दूर दूर तक पता ही नहीं है कि कौमी मुफाद होता क्या है, या तो सिर्फ एक ही मुफाद है, जाती मुफाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज हमारी सियासत में कामदरे जिना की सियासत का अक्स है? एक ऐसा जिना जिसका सुन्नी जमात से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, इस्माइली शिया के नाम पर बनाए। क्या वो रहबर जो दावा करते हैं कि हम हैं कायदे आजम के वारिस, वारिस का मतलब पता है? वारिस, ये खुद को कायदे आजम के वारिस कहते हैं, क्या ये कायद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या कभी चले हैं? दिल पे हाथ रखिए, बताइए क्या ये मतलब कायदे आजम का आप कंपैरिजन ही ना कर सकते इनका, मतलब उनका चौथा हिस्सा भी नहीं, उनका दसवां हिस्सा भी नहीं है। इस्माइली शिया के नाम पे भरोसा करके मुल्क बनाया एक पूरा, जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कमबख्त को शराब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला जिना, नमाजें नहीं पढ़ने वाला जिना, ये इनका कायदे आजम है। ये उनके नक्शे कदम पे चल नहीं रहे और कहते हैं कि हम उनके वारिस। दावा करना बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकली साबित करना मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली आप लोग कैसे साबित करें? दिल ही नहीं, नीयत ही नहीं। नीयत होती तो शायद साबित करते, और आज मैं आपकी तारीफ करती, तमाम लोग आपकी तारीफ करते। चल झूठा। कायदे आजम ने जो अंत तक जिद्दोजहद की, क्या बोला तूने? कायदे आजम ने जो अंत तक जिद्दोजहद की थी, आर यू कॉमेडी मी? आजादी के लिए की थी, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, अपना खून पसीना एक कर दिया, ये आजाद वतन प्यारा पाकिस्तान हमें दिया, और तो और अपनी बीमारी छुपा ली, अपनी बीमारी छुपा ली कि साथ चलने वालों का मोराल या हौसला कम ना हो जाए। इससे बड़ा लीडर कौन होगा? ये कहते हैं कि हम कायदे आजम के वारिस हैं, कायदे आजम के वारिस। तुम लोग ये दावा करना छोड़ दो। मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज आ रहे कि शायद अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं बोलने चाहिए। सही बात है कि कायदे आजम के साथ आप लोगों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तौहीन है कायदे आजम की कि अगर आप लोग खुद को कायदे आजम का वारिस कहलवाएं, ये तौहीन है कायदे आजम की। अब आप देख लें कि ये जो हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मिला, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है, अब उसकी हिफाजत क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? हम सबकी जिम्मेदारी है, और दावा करने वाले को तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। जो कहते हैं हम रहबर हैं, हम कायदे आजम के वारिस हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, आए दिन झूठे वादे करते हैं। ये बदकिस्मती कह लें कि आज पाकिस्तान को सिर्फ बाहर से खतरा नहीं बल्कि ज्यादा खतरा अंदर से है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अंदर के लोग जो है ना, वो दुश्मन की जुबान बोलते हैं, दुश्मन का एजेंडा बेचते हैं। मैं खुलकर कहूंगी, जो चूरन बेचते हैं वो दुश्मन का चूरन है। दुख का मुकाम है, तकलीफ का मुकाम है, अजियत का मुकाम। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज सियासी मुफादात का खेल इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहा है जितना बाहर से दुश्मन नहीं पहुंचा रहा, और इसका अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं है कि क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके दिल की ख्वाहिशें पूरी कर। चले मैं कहती हूँ इंटेंशनली नहीं कर रहे, अन इंटेंशनली इनसे हो रहा है, इनको नहीं समझ आ रही। हालांकि इतने बच्चे तो नहीं, ये चूचे काके तो ये नहीं, इनको समझ नहीं आ रही। कोई चूचा काका तो नहीं ना जो सियासत में बाल सफेद कर लिए, कईयों के तो बाल ही झड़ गए। अब मुझे बताएं कि इनको इतनी समझ नहीं आ रही, इनको सब समझ है। चले फिर भी दो सेकंड के लिए मान लें कि अन इंटेंशनली कर रहे हैं, ये किसी के कहने पर नहीं कर रहे, किसी का एजेंडा लेकर नहीं चल रहे, किसी दुश्मन के अल्फाज इनके मुँह से नहीं निकलते, इनकी अपनी सोच भी दुश्मन से मिलती। चले ये कह लें कुछ तो माने ना, ये इनको शायद खुद अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, किसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, अपनों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और दुश्मन से बदतर हैं जो अपनों के लिए दुश्मन साबित हो रहे हैं। अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है ही नहीं जो कायदे आजम चाहते थे। कायदे आजम की सियासत ज़ातियात से पाक थी, तब ये पाकिस्तान हमें मिला। अगर वो अपनी ज़ात का सोचते तो दुनिया जहान की नेमतें उनके कदमों में आ गिरती, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी करके अजीम कुर्बानी दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचा। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, अपनी बीमारी तक छुपा ली ताकि साथ चलने वालों का हौसला कम ना हो। इससे बड़ा लीडर कौन होगा? अब आज एक कौम और एक मंजिल की बात होती तो है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है आपके सामने है। बदकिस्मती कहने के 70 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद हम अपनी मंजिल पर पहुँचना तो दूर की बात यही नहीं पहचान सके कि हमारी मंजिल आखिर है क्या। जब आपको पता ही नहीं कि आपने जाना कहाँ पर, आपकी मंजिल है कहाँ पर, तो कैसी कोशिश। रोड मैप आपके पास है ही नहीं, आपको पता नहीं कि मंजिल क्या है, तो कहाँ चलेंगे, किस तरफ चलेंगे, इधर चलेंगे, उधर चलेंगे, उधर चलेंगे, कहाँ चलेंगे आप? बुकलाहट का शिकार रहेंगे, और यही हाल होगा जो आज है हमारा। अफसोस के साथ कह रही हूँ, हमें पता ही नहीं हमें किस समत में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। रहबर भी ऐसे ही मिले,
जो कि रहजन से कम नहीं। आज मादरे वतन को एक कौम की तलाश है, लेकिन ये कौम गिरोबंदी का शिकार हो गई। और अफसोस किस्म करने वाले आज हमारे ये सियासी रहबर हैं। आज उसूली नजरियात को नजरअंदाज करके नजरिया जरूरत की तरफ दौड़ लगाई जा रही है। सिर्फ एक ही नजरिया इन लोगों का, नजरिया जरूरत के, मेरी जरूरत किस नजरिए से पूरी होती है। क्लियर, आज इन्हीं रहबरों को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम कितनी भी परेशान रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम की अजियत से, अवाम की तकलीफ से, अवाम के मसाइल से, अवाम की परेशानियों से, अवाम के गम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका एक ही नजरिया, नजरिया जरूरत, अपने मुफादात। कायदे आजम पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना चाहते थे, लेकिन आज अवामी फलाह से ज्यादा सियासतदान जाती फलाह के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं। और यही तो वजह, इसीलिए तुम्हारा मुल्क क्या खड़ा हो गया आके, फिर एक दूसरे पर इल्जाम तराशे करते, इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। अपने गिरोबानों में झांक के कभी ना देखना तुम लोग, अगर झांक के देखोगे ना शर्म से डूब मरोगे। मैं चैलेंज करती हूँ तुम लोगों को आज। कायदे आजम किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, कभी आप लोगों ने सोचा? जो झूठे दावे करते हैं वो पाकिस्तान को कैसा बनाना चाहते थे, कभी सोचा? और बनाया आप लोगों ने, दिल पे हाथ रखिए, चले ना माने सबके सामने, आईने के सामने खड़े हो आप सियासतदान और पूछिए खुद से कि क्या आप चौथा हिस्सा भी हैं कायदे आजम का, दसवां हिस्सा भी हैं? प्रैक्टिकली सिर्फ बातें करते हैं आप। अब हमने एक दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल तो कर लिया, लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे मोहसिनों ने देखा था। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारे मसले रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ ही नहीं सके, और इन सियासतदानों की वजह से नहीं बढ़ सके। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, बदकिस्मती देखिए आज भी वो अपने मंशूर में उसी नारे को शामिल करके वोट मांगती है। आज भी भुट्टो जिंदा के नाम पर वोट मिलता है, भुट्टो को जिंदा रखें बाकी सब मार दें। नून लीग का नारा है अमन, तरक्की, खुशहाली। पीटीआई तब्दीली, 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 कहां है तब्दीली, जरा मुझे भी दिखाएं। कड़वा सच ये कि ना पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा कर पाई, नून लीग की क्यादत जो है उसकी तवज्जो भी सिर्फ अपने लिए, अमन, अपने खानदान की तरक्की और शरीफ खानदान की खुशहाली। वो जो खुशहाली है वो शरीफ खानदान की खुशहाली है बस। अब आज आप इस मुल्क की हालत देख लें, एक वक्त था जब हमारी मईशत इतनी मजबूत थी कि मलेशिया जैसे मुल्क हमसे माशी मंसूबा जो है ना वो लेकर गए, और आज उन्होंने उस प्लान पर बकायदा अमल की है जिसके नतीजे में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देख रहे हैं ना आप। लेकिन आज हमारा हाल देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद को सियासी रहबर कहने वाले इस मामले में रोड़े अटका रहे हैं। आफरीन है तुम लोगों पर, क्या कहूँ मैं। आज पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद पड़ी है, PIA जैसी लाजवाब और बाकमाल एयरलाइन जवाल का शिकार है। एक वक्त था जब एमिरेट्स नामी इंटरनेशनल एयरलाइन जिसके अमले को पाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट्स ने तरबियत दी थी, सोचें ज़रा, वो भी तो वक्त था ना। और ये भी वक्त है जो हम देख रहे हैं, रेलवे खसारे की पटरी पर चल रही है। आज आमरियत को बुरा और जमहूरियत को अच्छा कहा जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जमहूरियत से ज़्यादा जो आमराना दौर था उसमें तरक्की को मैं क्या कहूँ। मैं आमरियत की हामी नहीं हूँ और मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस हकीकत को मैं क्या कहूँ कि आमरियत के दौर में तरबेला और मंगला जैसे डैम बने, सनती तरक्की की बुनियाद रखी गई, लेकिन जमहूरी हुकूमतें मिलकर एक काला बाग डैम ना बना सके। अब जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डैम के लिए कौम से मदद की अपील की तो मुखालिफिन बजाय मुल्क का सोचने के उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग करने में लगे रहे। आपने देखा सुना, अभी पॉइंट स्कोरिंग ही है ना जिसने हमारे प्यारे वतन को हर लिहाज से यहाँ तक पहुँचा दिया, ये नुकसान पहुँचा दिया। सियासतदानों की इकदार की छीना झपटी कहने उसने जमहूरियत को खोखला कर दिया। अब पता नहीं कि जमहूरियत, अब जमहूरियत जब कहता है ना कोई तो यकीन जानिए, लोगों के तासुरात का भी देखिएगा, जब कोई जमहूरियत कह के देखिएगा जमहूरियत और देखिएगा सामने वाले के तासुरात क्या होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे बिल्कुल भी, जिसकी वजह हमारे सियासतदानों के एबनॉर्मल रवैये इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, और नीयत जो थी नहीं, होती तो ये हाल होता, बेड़ा गर्क होता।